विष्णु अवतार रामलीला 24 वर्षों से भगवान श्री राम की गाथाओं का मंचन कर रही है और क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सनातन धर्म को आगे बढ़ा रही है। मैं इस समय मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीडीए पार्क शास्त्री पार्क में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से रामलीला के आखिरी दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण और उसी के साथ सनातन विरोधियों का भी यहाँ आज पुतला जलाया जाएगा। इस पुतलों को दहन करने के लिए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी और क्षेत्रीय डीसीपी यहाँ पर पुतला दहन करेंगे। इसी के साथ अन्य अधिकारी गण भी इन पुतलों का दहन करेंगे। हमारे साथ विष्णु अवतार रामलीला के चेयरपर्सन हरीश चौधरी जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 24 वर्षों का ये सफर कैसा रहा और कितनी कठिनाइयों से इस सफर को चलते आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 2024 की रामलीला का दशहरा महोत्सव है और इस उपलक्ष्य में मैं क्षेत्र की जनता को, दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने 9 दिन हमारा साथ दिया और आज 10वें दिन भी दशहरे के उपलक्ष्य में भी बहुत सारे लोग हमारी रामलीला को सहयोग करने के लिए हमारे कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं रावण का पुतला, हमारे प्रिय सांसद जी आज इस पुतले का दहन करने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। मेघनाथ जी का पुतला दहन करने हमारे विधायक क्षेत्रीय भाई अब्दुल रहमान जी हमारे बीच में रहने वाले हैं। तीसरा पुतला हमारे नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी हमारे बीच में रहने वाले हैं सपरिवार। और जो आज चौथा पुतला है सनातन विरोधियों का, उस पुतले का दहन के लिए आज हमारे पार्षद सत्य शर्मा, पूर्व मेयर आज हमारे बीच में रहने वाले हैं। और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार से स्वामी विवेकानंद जी, आनंद आश्रम से आज जिनका जन्मदिन भी मंच पर मनाया जाएगा और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में वो भी रहेंगे। आज आपको देखने को मिलेगा जो पिछले 9 दिन से हम दशहरे के उपलक्ष्य में जो तैयारी पूरी रामलीला कमेटी कर रही है, आज आपको वो देखने को मिलेगा। आज आतिशबाजी यहाँ देखने को मिलेगी और क्षेत्र की जनता को ऐसा एक अनोखा किस्म का यहाँ प्रोग्राम मिलेगा जो आज से पहले किसी भी रामलीला में देखने को नहीं मिला। ऐसी आज हमारी तैयारी है और आप सभी के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने परिवार सहित आए और सुरक्षित जगह स्थान चुन लें जिससे कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, भीड़ में भगदड़ से बचें। और किसी भी भाई से हाथ जोड़ के अपील है कि शांति का दान दे, कोई ऐसा हाय गुल्ला ना करे जिससे कि किसी को कोई हानि पहुंचे। हम और हमारी टीम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है कि दशहरे के इस महापर्व को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। अच्छा, 24 साल का सफर किस तरीके का रहा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज इस पड़ाव पर पहुंचे हैं कि क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी भी विष्णु अवतार रामलीला को एक बेस्ट रामलीला का अवार्ड भी देने जा रहे हैं। देखिए, पिछले आज 24वां वर्ष है हमारी रामलीला का और शुरू से जब से रामलीला हुई है बहुत सारे हमारे नेतागण इस रामलीला को समय समय पर सहयोग देते रहे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी हो, मतीन जी हो, अनेकों नेताओं ने जो हमारे कंधे से कंधा मिला के हर वर्ष हमारा साथ दिया है, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं। और जैसे अब पिछले 7 वर्ष से मैं चेयरमैन का यहाँ दायित्व निभा रहा हूँ, हमारे प्रिय सांसद जी ने पहले वर्ष से ही ये कह दिया कि जब तक मैं सांसद रहूंगा या सांसद ना भी रहूं, इस रामलीला से मेरा दिल से जुड़ाव रहेगा। और वो देखने को भी मिला हमें हर वर्ष, क्योंकि वो इस रामलीला को अपनी रामलीला कहते हैं और पूरे परिवार सहित, देखिए छोटी 1 साल की बच्ची थी उनकी, उनको भी लेकर हमारे मंच पर आए और ये कहा कि मैं अपनी रामलीला का पुतला दहन करने जा रहा हूँ। तो उनकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है, वो अपनी रामलीला इसको समझते हैं, हम पे अपना आशीर्वाद रखते हैं। और विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अब इतने उच्च कदम
हर साल एक ना एक कदम आगे बढ़ाती है। उसी सर्कल में मैं बताने जा रहा हूँ, अगले जो 25वां वर्ष है, 25वें वर्ष की बहुत तगड़ी धूमधाम से तैयारी पे लगी हुई है। 25वां वर्ष देखने लायक होगा विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का। उसमें सभी जितने हमारे नेतागण हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे दानदाता हैं, उनका बहुत विशेष धन्यवाद मैं करता हूं जिन्होंने आज हमको इतने ऊंची पद दिया है। ये थे हमारे साथ विष्णु अवतार रामलीला के चेयरपर्सन हरीश चौधरी। इनका कहना था कि आज रामलीला का आखिरी दिन है और आखिरी दिन में रावण का पुतला दहन किया जाएगा, साथ ही मेघनाथ का भी और कुंभकर्ण का, और उसके साथ साथ एक पुतला भी और दहन किया जाएगा, वो पुतला होगा सनातन विरोधियों का। तो सिटी न्यूज के साथ आप बने रहिए, अगली वीडियो में हम आपको अधिक और जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।